नमस्कार, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रदेश में गहलोत सरकार के एक साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर हम जानने निकले हैं कि प्रदेश के विधायकों ने इन एक साल में अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या काम किया है, विधायकों ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं या नहीं, जनता की उम्मीदों पर विधायक खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। और आज हम आपको उदयपुर शहर विधानसभा सीट लिए चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं का समाधान हुआ है और विधायक के पास आने वाले दिनों में विकास के लिए क्या प्लानिंग है। लेकिन सबसे पहले एक नजर उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र पर। उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र पूरे संभाग की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जाती है। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर यह शहर देसी विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है, जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। 1559 में इसे महाराणा उदय सिंह ने स्थापित किया। ऐतिहासिक कालखंड में यह शहर मेवाड़ की राजधानी रहा है। उदयपुर नगर विधानसभा सीट राजस्थान की राजनीति में हमेशा सत्ता के केंद्र बिंदु में रही है। इस सीट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है की सीट से चार बार प्रतिनिधित्व कर चुके मोहनलाल सुखाड़िया लगातार 18 साल तक सूबे के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बनने का ये रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी 3,75,860 है। आबादी के लिहाज से जैन बहुल उदयपुर नगर विधानसभा सीट पर ब्राह्मण दूसरे नंबर पर है। उदयपुर में कुल जनसंख्या की 10.96% आबादी एससी है और 5% आबादी एसटी। इस सीट से वर्तमान विधायक गुलाबचंद कटारिया हैं, जो इस सीट से लगातार चौथी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। 2018 के चुनाव में गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस के दिग्गज नेता गिरिजा व्यास को हराया। गुलाबचंद कटारिया पूर्व की वसुंधरा सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं। गुलाबचंद कटारिया को राजनीतिक जीवन का लंबा अनुभव है। जनसंघ के समय से पार्टी से जुड़े कटारिया ने मेवाड़ संभाग में बीजेपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की। गुलाबचंद कटारिया संगठन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर महासचिव तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जमीनी स्तर पर कटारिया की कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच अच्छी पकड़ के चलते पार्टी के बड़े फैसले में उनकी भूमिका हमेशा से रही है। 2018 के चुनाव के दौरान गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर की जनता से विकास को लेकर तमाम वादे किए, लेकिन क्या वर्तमान विधायक जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाए? क्या जनता वर्तमान विधायक के कामकाज से संतुष्ट है? ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे अविनाश शकनावत, जी मीडिया, उदयपुर। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में उदयपुर के विधायक गुलाबचंद कटारिया ने जनता से, लोगों से क्या क्या वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए विधायक जी क्या कर रहे हैं, विधायक के विकास के दावे पर जनता कितनी संतुष्ट है। हमारे एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उदयपुर की जनता ने चौथी बार कटारिया को विधानसभा भेजकर अपना भरोसा उन पर कायम किया। यही वजह है कि कांग्रेस की लहर के बावजूद विकास के दम पर उन्होंने गिरिजा व्यास जैसी कांग्रेस के कद्दावर नेता को हरा दिया। पर्यटन के क्षेत्र में आज उदयपुर की अलग पहचान दुनिया भर में है। इसके साथ ही पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में उदयपुर में काफी विकास हुआ है। यही वजह है कि उदयपुर शहर की जनता कटारिया के एक साल के कार्यकाल को लेकर संतुष्ट नजर आती है। साथ ही लोगों का ये मानना भी है कि अगर सूबे में बीजेपी की सत्ता होती तो शहर में विकास के कार्य और बेहतर ढंग से हो पाते। उदयपुर की पेयजल के जो जिले हैं, उन जिलों की हालत ये है कि आज जिले प्रदूषित हैं। जिलों का पानी करोड़ों लीटर सिवर लाइन में जा रहा है, जिसके बारे में गुलाब जी भाई साहब को भी मालूम है, नगर निगम के महापौर जी को भी मालूम है और नए महापौर जी को भी बता दिया है, लेकिन किसी प्रकार का समाधान की दिशा में अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। गुलाब जी भाई साहब ने काफ़ी कुछ किया इस उदयपुर के लिए,
और जहाँ तक हम देखें, अगर नहीं काम होता तो आप देखते अभी बीजेपी का वोट वापस बना है, तो काम हुआ तभी बना है। और गुलाब जी भाई साहब ने काफ़ी काम कराया है हमारे उदयपुर में, भले मानसी वाकल का ले लो, पानी का ले लो, रोडों का ले लो, लाइटों का ले लो, हॉस्पिटल ले लो, सामुदायिक भवन ले लो, हर चीज़ में काम तो बढ़िया हुआ है। और ये फिर हमारा अभी स्मार्ट सिटी का भी चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। और मेरे हिसाब से गुलाब जी भाई साहब के कार्यकाल में कोई कमी नहीं है, काम तो पूरा हो रहा है और मैं इसी उम्मीद रखता हूँ आने वाले टाइम में भी और अच्छा हो काम। अभी यहाँ के जो MLA हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उनका काम बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले 4-5 साल से वो नेता रहे हुए हैं और अगर अभी बीजेपी की सरकार आती तो वो और अच्छा काम कर दिखाते। हालांकि उदयपुर विधानसभा सीट पर हर बार चुनावी मुद्दे वही रहते हैं। चुनाव के वक्त इन वादों को पूरा करने की कोशिश तो होती है, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती। इन मुद्दों में मुख्य रूप से देवास परियोजना के तीसरे और चौथे चरण को पूरा करना, आयड़ नदी का विकास, हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने जैसे तमाम मुद्दे हैं, जिसको लेकर शहर की जनता आज भी अपने आप को ठगा महसूस करती है। जो मुद्दे थे, मेन मुद्दे थे कि एक ट्रैफिक व्यवस्था को सही से चलाने का, एक जो दूसरा ये मुद्दा था कि आयर नदी को वेनिस बनाने का, इन दोनों मुद्दों पे उन्होंने खरे नहीं उतरे हैं। और ये विगत 15 सालों से ये मुद्दे ही बन के रह चुके हैं, केवल एक राजनीति का एक मतलब एक स्टंट था जो हमेशा हर चुनाव में यूज होता है। तीसरा ये है कि इसमें जितने भी लोग मतलब अभी जो सड़कों से अभी जो दुर्दशा हो रही है, ये दुर्दशा का कारण इन्होंने ना तो पिछले 5 सालों में मतलब जो दुर्दशा हुई है पिछले 1 साल में इन्होंने कोई पूरा नहीं किया उसे। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि ये जो सड़कें की हालत और ये वगैरह जो सीवरेज वगैरह का पानी अभी तक मतलब टूरिस्ट भी परेशान है इससे और हमारे जो बिजनेस में भी काफी फर्क पड़ रहा है। मतलब पिछले साल जो सीजन चला था मतलब अक्टूबर नवंबर में भी सारे मतलब शॉपकीपर व्यापारियों ने अच्छा काम कर लिया था, लेकिन इस बार टूरिस्ट वगैरह इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रोड वगैरह सीवरेज का गंदा पानी, जो जहाँ का जो ऐतिहासिक जो देखने लायक होता है बागोर की वाली, उसके अंदर तक सीवरेज का गंदा पानी जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि मतलब काफी मतलब वो अभी हमारे व्यापार में भी लॉस है। जनता के वास्तविक मुद्दे हैं जैसे कि भाई साहब ने बताया, देवास, आहड़, पर्यटन और ये जिलों की समस्याएं जो प्रत्यक्ष हैं, किसी की पूछने के और इंटरव्यू की जरूरत नहीं। हालांकि पिछले 1 साल के कार्यकाल को लेकर विधायक गुलाब चंद कटारिया खुद संतुष्ट नजर नहीं आते। कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विधायकों को उनके फंड का पैसा पूरा नहीं दे पाई, ऐसे में अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कैसे करें। गुलाब चंद कटारिया ने आरोप ये भी लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास ठप पड़ा है। उदयपुर शहर सीट के विधायक गुलाब चंद कटारिया के 1 साल के विकास काम को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन शहर में विकास के काम की धीमी रफ्तार लोगों को नाराज करती है। उदयपुर में सालों से ऐसे तमाम मुद्दे लंबित हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। और इधर उदयपुर के विधायक गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि उन्होंने उदयपुर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन पिछले 1 साल के कार्यकाल को लेकर वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर विकास के कामों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उदयपुर के विकास को लेकर क्या कहा है विधायक जी की प्लानिंग, जी मीडिया संवाददाता ने विधायक से खास बातचीत की। हमारे साथ में है उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया। भाई साहब, 1 साल का कार्यकाल आपका हो गया है, लगातार चौथी बार उदयपुर की जनता ने आपको विधानसभा में उदयपुर से भेजा, लेकिन ये जो 1 साल है, इस कार्यकाल से आप कितना खुश है, क्या लगता है आपने जो जनता को वादे किए इन 1 सालों में आप क्या पूरे कर पाने में सक्षम हुए हैं? देखो, मैं सोचता हूँ मैं प्रतिपक्ष का नेता भी हूँ। इस सरकार ने जिन बातों को कहकर के अपनी सरकार बनाई, हमसे केवल इन्होंने 1,42,000 वोट ज़्यादा लिए, 0.5% वोट ज़्यादा है। उसकी जो दुर्गति हुई है जिन बातों को, किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हुआ नहीं, और हुआ हो तो मैं उनसे निमंत्रण दे रहा हूँ कि उदयपुर जिले की जो सितंबर 18 में हमने माफ किए वो सूची जारी कर दो, और आपके आने के बाद इस उदयपुर जिले में किसानों का जो कर्जा माफ हुआ उसकी सूची जारी कर दो, समझ में आ जाएगा कि किसान के साथ छलावा और धोखा हुआ कि नहीं हुआ। बच्चों को नौजवान को 3500 रुपये देंगे, केवल वो एक सूची उदयपुर जिले की जारी कर दे कि पहले हम कितने लोगों की स्कॉलरशिप दे रहे थे हमारी सरकार के टाइम पर,
और आपके आने के बाद उदयपुर जिले में कितने बच्चों को आपने स्कॉलरशिप पर मंथ दे दी, तो पूरा सच सामने आ जाएगा। किसानों को संपूर्ण किसी भी प्रकार का बिजली का पैसा 5 साल में नहीं बढ़ेगा, लेकिन फ्यूल चार्ज के नाम से 65 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा के नहीं बढ़ा, ये बता दो। हम लोगों ने हर किसान को जो खेती करता है उसको 10,000 तक सालाना बिजली का बिल सरकार भरेगी, उससे ऊपर आएगी तो किसान को, वो आपने खत्म कर दिया। एक तरह से सरकार के आने के बाद कोई भी 100 किलोमीटर आप कभी भी किसी शादी ब्याह में भी गए हों, सड़क से गुजरे हों, कहीं आपको एक पत्थर भी कहीं चलता हुआ, कोई 2 मजदूर भी आपको काम करते हुए दिखा क्या, तो सरकार ने सारे विकास को रोक करके ये जो वावई और जश्न मना रहे हैं ये खाली कागजों की पुलंदे हैं। सच में इसमें किसी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट आ जाए, लॉ एंड डिपार्टमेंट की बात करें, जो मेरा होम डिपार्टमेंट था, मैं उनको चुनौती देता हूँ। तो मैंने बहुत प्रयत्नपूर्वक, हिंदुस्तान में पहला राज्य जिसने लगातार 3 साल तक अपराध IPC के घटाए, लेकिन सरकार के आने के बाद महिला अपराध 65% बढ़ी है, कोई जवाब दे सकते हैं क्या? और उसका कारण ये है कि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, वो मॉनिटरिंग कर नहीं सकता, और ये डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर का जब तक रोजाना सायंकाल संपूर्ण राजस्थान की रिपोर्ट नहीं इकट्ठी होगी और तब तक उसका मॉनिटरिंग नहीं होगा, इस पर कंट्रोल हो नहीं सकता। तो आप आरोप लगा रहे हैं एक साल में काम नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद और तमाम मंत्री अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और विकास कार्यों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बताई जा रही है, ऐसे में आपका ये आरोप कितना सही? मैं सरकार से कहता हूँ एक बार लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ही इस जनता को बता दे कि वास्तव में राजस्थान की कैसी दुर्गति हुई। कोई भी विकास का काम होगा तो धरती पे होगा, हवा में तो नहीं हो सकता है। मेरे को कोई सामान्य आदमी 10 से इंटरव्यू लेके पूछ लो कि उन्होंने एक साल में कोई काम इस सरकार के आने के बाद नया चलता हुआ देखा क्या? इस उदयपुर में चल रहा स्मार्ट सिटी तो पहले से स्वीकृत है, जिनका टेंडर हो गया, जिनका वर्क ऑर्डर है, वही काम चल रहे हैं। इस सरकार के आने के बाद उदयपुर शहर, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक नया पैसे का भी काम धरती पर उतरा हो तो बता दें। जैसी स्थिति मेरी है, अरे विधायक फंड में से पैसा रिलीज नहीं हुआ, जो कुछ रिलीज भी किया वो दिखाने के लिए कह दिया, लेकिन क्या धीरे चलो, पैसा आ भी गया 1 करोड़ के लगभग उन्होंने डाल दिया CO को हमारा, लेकिन जो हमने सैंक्शन निकाली उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं निकलती। अभी तक राजस्थान में फाइनेंशियल सैंक्शन विधायकों की डिजायर पर कितने करोड़ की निकली है, बात स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या कारण क्या है तमाम, आप ये आरोप लगा रहे विधायकों को उनका फंड नहीं मिल रहा है, सैंक्शन नहीं निकले, क्या कारण लगता है? आप लंबा अनुभव है। देखो कारण इनका एक सीधा सवाल है, इन्होंने ये जो काम किया कि हम सब कर्जा माफ करेंगे, तो इन्होंने उधर पैसा डालने की कोशिश की, लेकिन पैसा तो इनके पास जो कुछ है वो उनको सुव्यवस्थित से लगा नहीं पाए और ठीक तरह से काम की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। जो बजट घोषणाएं की हैं, मैं तो सोचता हूँ दुनिया की बात छोड़ें, उदयपुर जिले में जो बजट घोषणाएं आपकी है उनमें से कितने काम धरती पर चालू हो गए वो बता दें। तो सच में ये सरकार जो है आर्थिक दृष्टि से पता नहीं क्यों तंगी में है, किस कारण से है, या ये पैसे को कोई बचा के रख रहे हैं, या जो रिकवरी होनी चाहिए पैसों की वो ठीक प्रकार से नहीं हुई है। मैं सोचता हूँ कि सरकार का मैनेजमेंट जो है ना वो कमजोर है, जिसके कारण से विकास दिख नहीं रहा है। ये पहला साल है, 4 साल का कार्यकाल अभी और बाकी है, किस तरह से, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, सब आप दारोमदार आपके ऊपर रहता है, किस तरह से आप इन 4 सालों में सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे जिससे कि विकास जो है आपकी नजर में नजर? देखो सरकार को तो हमने पिछली विधानसभा में निरुत्तर कर दिया, हमने कहा कि आपने जब किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो उसको दोबारा लोन नहीं मिला, और दोबारा लोन नहीं मिला तो उसकी फसल का बीमा नहीं हुआ, वो नहीं मिला। एक साल हो गया फसल खराबा का, जो आपदा में पैसा मिलना चाहिए वो किसानों को अगर बटा हो तो कोई तहसील का नाम बता दो जहां आपने बांटा है। तो सरकार एक तरह से मैं सोचता हूँ ये पता नहीं किस कारण से काम नहीं कर पा रही है, जबकि इसके पास आखिर आमदनी के जो सोर्स हैं वो तो हमारे पास भी वही थे, इनके पास भी यही है। तो मैं सोचता हूँ जी, और केंद्र सरकार ने हर साल इनको जो GST के रूप में जो बढ़ाते हैं वो पैसा बढ़ाकर इनको मिल रहा है। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये सरकार फेल क्यों हो रही। मतलब एक सबसे बड़ी बात, जो आपका विधानसभा क्षेत्र आता है, कुछ समस्याएं जो है वो अभी भी बरकरार है, एक हाईकोर्ट बेंच का लेके वो ये अपने यहाँ बरकरार है, एक ट्रैफिक की समस्या जो है वो यहाँ पे उदयपुर में जो है वो बरकरार देखी जा रही है, ये 2 बड़ी समस्याएं जो है वो अभी भी है,
उसको लेके क्या कहेंगे, और जनता की भी लगातार इसकी लेके शिकायत रहती है। तो मैं सोचता हूँ जो नगर पालिका और यूआईटी के द्वारा ही जो भी काम हो रहा है इस उदयपुर शहर में हो रहा है, पहले हमारे यहाँ जो L&T कंपनी काम कर रही है शहर कोर्ट के अंदर, वो उसका अपना काम चल रहा है, उसका काम और उसकी क्वालिटी भी ठीक है। जो बाकी एजेंसी थी जो सीवरेज के बारे में, उनका काम घटिया था, लेकिन उन्होंने लगभग लगभग पूरा काम कर लिया। अभी आयर का जो काम चल रहा था दोनों साइड पे सीवरेज डालने का, वो उसकी गति बहुत धीरे है। जो समय अवधि तो 2020 तक का ही था वो, लेकिन वो लगता है कि 21-22 तक भी वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं, तो उसका नहीं है। नया कोई सैंक्शन इन्होंने दी केवल 50 करोड़ की यातायात के लिए दी, लेकिन कोई रोड मैप नहीं है कि यातायात का किस पर खर्चा करेंगे, किस काम के लिए खर्च करें। अभी अभी UIT ने कुछ उसका जो है ना एक DPR बनाई, अभी मतलब एक साल के बाद तो DPR बन रही है। तो जो बजट घोषणा आपकी थी वो कब पूरी होगी, मैं सोचता हूँ कोई प्लानिंग उनके है नहीं। मेरे शहर के लिए मैं कह रहा हूँ तो सच में इस सरकार चल रही है, ये मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे। और हमने निरुत्तर किया हर बात में विधानसभा के सत्र में, मेरे हिसाब से एक का भी ठीक प्रकार से जवाब नहीं दे पाए। तो 100% ये सरकार जो है ना, एक साल तो उसका बर्बाद हुआ, अब अगले साल ये क्या करेंगे, बजट आने के बाद ही पता लगाएंगे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो ये थे उदयपुर शहर से विधायक और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, जिनका साफ कहना है कि सरकार का ये एक साल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। उदयपुर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, विकास पूरी तरह से ठप है, और अब देखना होगा कि आने वाले जो 4 वर्ष है वो किस तरह से सरकार काम करती है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते लगातार सरकार को घेरने का और उनसे उनको जगाने का काम जो है वो नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया करते रहेंगे। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।